चलिए मैं स्टार्ट करने लगा। अभी अगर कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हैं। ये कॉल बंदा कम हो गया, ये क्या हो गया भाई? चलो बाहर आओ। एनीवे अच्छा, हाँ क्लासिफिकेशन ये सबसे बड़ा काम है। क्लासिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, समझ आई कि मुश्किल भी है, समझ नहीं आती कि करें कैसे। किसी किताब में कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ है, FSC में कुछ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन है। हायर बुक्स आप पढ़ेंगे वहाँ पर और क्लासिफिकेशन होगी। अब एक ये टेबल है जो मैंने बनाया है, ये सामने बना हुआ है। दो पिक्चर्स मैंने इंसर्ट की। आमतौर पे जो अगर आप एक आसान बुक पढ़ोगे पंजाबी की, वहां पर आपको चार किंगडम्स, चार फाइलम मिलेंगी। एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा एंड डोटीरियोमाइकोटा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? दीदी क्लियर आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा तो आमतौर पे जब आप एक नॉर्मल बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चार किंगडम होंगे, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डोटीरियोमाइकोटा। लेकिन ये चारों के फाइलम है, ये बुनियादी तौर पर फंजाई की एक डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। उस डिवीजन को हम कहते हैं जी एस्टोमेस्टिगोमाइकोटा। ये तो राइट साइड में लिखी हुई है। अब इस एस्टोमेस्टिगोमाइकोटा के अंदर बुनियादी तौर पर ये चारों के चारों फाइलम है, जाइगोमाइकोटा, एस्टोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डिटीरियोमाइकोटा। सो नॉर्मली हम यही चार फाइलम ही पढ़ते हैं जो भी आप बुक पढ़ेंगे। इनके अलावा तीन फाइलम और हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं या जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। सारी क्लासिफिकेशन हम फिर भी नहीं पढ़ते, सारे फाइलम्स को हम फिर भी डिस्कस नहीं करते। चार तो ये हो गए, अब तीन मैं आपको और बताता हूँ। पहले वाला देखिए, जो पहला ये स्केयर है, पहला बॉक्स स्केयर, उसमें आपको ये एंड के ऊपर ये नजर आ रहा होगा मिक्सोमाइसीट्स, जिसको ये क्लास का यहाँ नाम दिया हुआ है। तो अक्सर जगहों पर एक फाइलम हम पढ़ते हैं जिसको कहते हैं मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा। तो पांचवा फाइलम हमारा ये हो गया मिक्सोमाइकोटा। अच्छा अब आप देखिए मिडल वाले को। मिडल वाले में दो चीजें होंगी, एक ये क्लास आपको नजर आ रही होगी क्राइटेरियोमाइसीट्स। तो बहुत सारी जगह पर इसको भी क्राइटेरियोमाइकोटा यानी फाइलम का दर्जा दिया गया। तो छठा फाइलम ये हो गया क्राइटेरियोमाइकोटा, और सातवां फाइलम ये जो नीचे लिखा हुआ है ओ माई सीड्स। अब ये भी यहाँ क्लास शो हो रही है लेकिन बहुत सारी जगहों पे इसको भी ओ माई कोटा कहा जाता है। ओ माय गॉड, लिखा है ऐसे ही है ना मेरा तो यार स्किप हो गया वो सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? जी हो रही है। चले अच्छा अवैस, मैं ये कह रहा था कि मैं रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट लगा के, कि आम किताब जब आप पढ़ोगे कोई भी नॉर्मल बुक, तो उसमें आपको मिलेंगी फंजाई की चार डिवीजन, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और चौथी ड्यूटीरियोमाइकोटा। अब ड्यूटीरियोमाइकोटा बेसिकली एक फाइलम तो नहीं है, लेकिन इसको वो हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई है, यानी वो सारी फंजाई के टाइप जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली बायोलॉजिस्ट को, उन्होंने हम सारी की सारी को डाल दिया ड्यूटीरियोमाइकोटा में और ये चौथा फाइलम बना लिया। तो जो नॉर्मल बुक्स आप पढ़ोगे, ड्रॉ ना करे कोई भी बंदा कोई चीज अपने मोबाइल के ऊपर, ये इधर जो है ना वो फिर सबको स्क्रैचेस नजर आएंगे। अच्छा व्हाइट बोर्ड वाली जगह पे आपने नहीं जाना। आमतौर पे आपको ये चार डिविजन मिलेंगी, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सात डिविजन के बारे में मुझे पता चला जो मैंने तीन चार किताबों से रेफरेंस लिया है। तो चार तो ये हो गई, जाइगो, बेसिडियो, एस्को और चौथी जो डोटीरियो है जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। परफेक्ट इम्परफेक्ट का भी हम आगे जाके बात करें। इसके अलावा तीन और हैं, तीन फाइलम और हैं जिनका जिक्र हमें अक्सर मिलता है। एक तो ये है क्राइटिडोमाइसीट्स जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम क्राइटिडोमाइकोटा बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं, इसके रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो ये नीचे ओ माई सीड्स लिखा हुआ है, ओ माई कोटा बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं। तो छह ये हो गए, सातवां आपके पास ये मिक्सो माई सीड्स जिसको मिक्सो माई कोटा बहुत सारी जगहों पे पढ़ते हैं और इसके रिप्रेजेंटेटिव भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने जहन में आप लोग फंजाए के सात फाइलम रखिए जब भी आपने किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो
तो सात फाइलम ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। बाकी फाइलम भी हैं लेकिन ज्यादातर बुक्स में ये है नहीं, या इनका जिक्र नहीं है, या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इनको हम नहीं पढ़ते। चले अब एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको ऊपर बताई है जो सात किंगडम्स की है, सात फाइलम्स की है, जो मेन है, जो मशहूर फाइलम है, फाइलम तो उससे भी ज्यादा है, एक क्लासिफिकेशन ये है। अब जरा इसको समझ लें, आमतौर अब मैं ये नॉर्मल बुक की बात कर रहा हूँ, जब नॉर्मल बुक आप पढ़ेंगे तो उस पर इस तरह लिखा होगा कि जी आमतौर पे फंजाई को डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, एबसेंट होगी, उसको हम कहेंगे डोटीरियोमाइसिट्स, और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगी उनकी आगे मजीद दो टाइप्स हैं, वो या तो होंगे एस्कोमाइकोटा और या होंगे उनके आगे मतलब मजीद टाइप्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, दूसरा सवाल आ जाता है माइसीलियम का कि माइसीलियम कैसी है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है। माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है। सो अगर तो माइसीलियम एसेप्टेट है तो उस फाइलम को नाम दिया जाता है कि फाइकोमाइसीड्स का। अब ये आपने परेशान नहीं हो जाना फाइकोमाइसीड का नाम सुन के, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं जी कि ये ड्यूटेरियोमाइसीट्स हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो फिर दूसरी चीज हम देखते हैं माइसीलियम की प्रेजेंस को, कि क्या माइसीलियम है या माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है। चले अब अगर माइसीलियम एसेप्टेट है, उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, तो उस फाइलम को हम कहते हैं फाइकोमाइसीट्स। अच्छा अब फाइकोमाइसीट एक्चुअली जाइगोमाइसीट्स का ही दूसरा नाम है, जाइगोमाइसीट्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है जी। और अगर माइसीलियम सेप्टेट है, माइसीलियम सेप्टेट है तो फिर वो ग्रुप या वो फाइलम या एस्कोमाइकोटा होगा और या बेसिडियोमाइकोटा होगा। तो ये चार जो हैं ग्रुप्स आपको नॉर्मली, ये चार ग्रुप्स जो हैं ये आपको नॉर्मली मिलेंगे, ये 7859315603 ये आप हैं कौन, ये तो मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मजा कैसे आएगा, ये किस तरह से आ सकता है। चले क्लासिफिकेशन के बारे में अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, हमें नहीं पता चलता क्लासिफिकेशन, मुझे दो दिन लगे ये चीज़ें, अभी बड़ी सिंपल लग रही होंगी लेकिन जब हम इनको बगैर किसी रेफरेंस के पढ़े तो बहुत मुश्किल लगता है। हाँ जी अच्छा बताए क्या ये जो दो आपने बताया ना ओओमाइकोटा और मिक्सोमाइकोटा, ये फंगस लाइक पोर्टिस हैं, मतलब कि ये फंजाई नहीं में नहीं आते। जो फंजाई का एक कंप्लीट किंगडम हम बोलते हैं ना जिसको, उसको हम कहते हैं माइकोटा। अब माइकोटा के अंदर है ना वो ओओमाइकोटा को और मिक्सोमाइकोटा को इंक्लूड किया जाता है। ये अब जब मैं आगे जाके बात करूंगा ओओमाइकोटा की, मिक्सोमाइकोटा की, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोटिस्टा में है, ये मुझे आइडिया है। लेकिन देखो जिस तरह अल्जी में हम पढ़ते हैं ना तो हम यूब्लिनोफाइटा को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसी तरह जब हम एक ओवरऑल फंजाई की बात करेंगे तो उसमें हम ओओमाइकोटा को और मिक्सोमाइकोटा को इंक्लूड करेंगे। अगर हम वो फाइव किंगडम वाली रॉबर्ट वाइटेकर वाली क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो फिर नहीं हम कहेंगे, हम तो कहें हाँ तब हम कहेंगे कि ये फंजाई की तरह के प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने यूजुअली बात करनी है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात नहीं करनी, सिर्फ फंजाई की बात करनी है ओवरऑल, तो फिर हम इनको इंक्लूड करेंगे। अभी देखो ना ये जो हमारा पूरा पेपर है यहाँ पर कहीं भी कोई भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यूज ही नहीं हुई, कहीं भी नहीं यूज हुई। आप ब्रायोफाइटा ले लो, डाइवर्सिटी आगे ट्रीडोफाइटा ले लो, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, ये सारी टर्म्स जो हम पढ़ रहे हैं इनमें से कोई भी साइंटिफिक नहीं है। सो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये प्रोटिस्टा का हिस्सा है एग्जैक्टली। लेकिन जब आप पूरी ओवरऑल फंजाई की बात करो तो मैं, मेरा पॉइंट ये था कि आपने सात किंगडम्स को
अपने जहन में रखना है, काइट्रिडोमाइकोटा, उओमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा, बेसिडियो, एस्को, जाइगो और डोटीरियोमाइकोटा। चलें जी आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पहली बार लाइकन और माइक्रोराइजा का हिस्सा है, 95% वास्कुलर प्लांट्स को माइक्रोराइजा चाहिए होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपने लाइकन का रोल पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो इंडिकेटर्स है, बायो रिमेडिएशन में काम आते हैं। 200 स्पीशीज मशरूम की ऐसी हैं जो एडिबल है, अभी मैंने एमसीक्यूज के पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे मॉरल्स और ट्रफल्स हैं, ये एडिबल मशरूम्स होती हैं। तो टोटल मशरूम्स की 200 स्पीशीज हैं जो कि खाई जा सकती। अच्छा, यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्पर्जिलस, ये सारी की सारी फूड इंडस्ट्री में यूज होती हैं। एस्पर्जिलस से एक एसिड भी हमें मिलता है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। नेचुरल डाइज भी बहुत सारे लाइकन से हमें मिलते हैं। यीस्ट यूज्ड होता है जी बायोलॉजिकल रिसर्च में। अच्छा, ये पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोमिक सीक्वेंस जो है वो कम्प्लीटली स्टडी किया गया था। मैं बताता हूँ जी, ये वाटर मोल्ड को ओवर ओओमाइकोटा क्यों कहते हैं, हम अभी ओओमाइकोटा पे जा ले जरा। अच्छा, तो यीस्ट पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसका जीनोमिक सीक्वेंस कम्प्लीटली स्टडी किया गया था। फिर एक फंजाई है नियोरोस्पोरा, इसको पिंक मोल्डम कहते हैं। तो ये जो है ये जेनेटिक सर्च में बहुत ज्यादा यूज होती है यीस्ट के अलावा। तो दो फंजाई होगी हमारे पास, एक तो यीस्ट होगी और दूसरी नियोरोस्पोरा होगी, ये दोनों जो है ये रिसर्च में यूज होते हैं। इसके अलावा जिब्रेलस, जिस हार्मोन का हम पढ़ते हैं, वो एक फंजाई है जिब्रेला, उससे हमें मिलता है। बहुत सारी प्लांट डिजीजेज हैं जो फंजाई कॉज करते हैं, जैसे कि रस्क, स्मट, पाउडरी माइल्डो और पोटैटो विल्ट वगैरह। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। 15-50% फ्रूट लॉस हर साल फंजाई की वजह से होता है। आगे हम एनिमल डिजीजेस के ऊपर, 4-5 जो मेन डिजीजेस थी वो मैंने यहाँ लिखी। एक तो डिजीज है रिंग वर्म और एथलीट फुट, इट इज कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट फंजाई, यानी डोटीरियो माइकोटा। ये ज्यादातर रिंग वर्म काज करते हैं, ये पाँव में इन्फेक्शन हो जाते हैं। एक और बीमारी है जी कैंडिडियासिस, ये एक फंगस है कैंडिडा अल्बिकन्स, ये बड़ी मशहूर फंगस है, इसकी वजह से होती। इसमें ओरल या वजाइनल थ्रशेज आ जाते हैं, यानी ओरल कैविटी में या वजाइना में स्क्रैचेस बन जाते हैं। तो इस जो है इन्फेक्शन को हम कैंडिडियासिस कहते हैं। अच्छा, एस्पर्जिलोसिस, ये एक एस्पर्जिलस फ्यूमिगेटस, ये एक फंगस है, उसकी वजह से ये होती है। लंग्स का इन्फेक्शन है और ये ज्यादातर उन लोगों में होता है जो एड्स से सफर कर रहे थे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इसलिए ये फंजाई उन पे आसानी से अटैक कर लेती है। फिर एफ्लाटॉक्सिन कुछ कंपाउंड्स हैं जी कार्सिनोजेनिक, जो एक फंजाई है एस्पर्जिलस फ्लेविस वो रिलीज करती है। और ये एफ्लाटॉक्सिन जो है ये बुनियादी तौर पर कार्सिनोजन होते हैं और कैंसर काजिंग होते हैं अगर हमारी बॉडी में चले जाए। लास्ट बीमारी जो एनिमल्स में फंजाई की वजह से होती है, दैट इज एर्गोटिज्म। अच्छा, इसमें नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, नर्वस स्पैम्स आते हैं कॉज्ड बाय ईटिंग अर्गट कंटेमिनेटेड ब्लड ब्रेड। अर्गट जो है वो फंजाई की एक स्पीशी है, तो अगर अर्गट ने किसी ब्रेड के ऊपर अटैक किया हुआ है और उस ब्रेड को हम खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमें अर्गोटिज्म की बीमारी हो सकती है। ये नर्वस सिस्टम का जो है वो है डिसऑर्डर है। अच्छा, ये एक बंदा है 785, आवाज नहीं आ रही है, हेलो मुझे बताइए जल्दी से आवाज आ रही है। हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, ये यार ये कौन है 785931563, ये कोई लड़का होगा, ये हमें ड्रामे कर रहा है। अच्छा, तो मैं ना तुम्हें रिमूव कर दूंगा, मुझे नहीं पता तुम कौन, तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा इधर, मैंने कोई ड्रामा बाज नहीं चल रहा। ये आप जो भी हो, या मुझे नाम बताओ या मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये तुमने नहीं बोलना, जो भी है। नहीं तो आयशा इस्माइल तो है ना, ये आयशा इस्माइल तो मुझे शो हो रही है, ये कौन सी आयशा है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। ठीक है, चल ठीक है ठीक है, मैं समझा कोई ये ड्रामा कर रहा है, चले बाहर।
ये आयशा ने पूछा इम्परफेक्ट संजाय मींस दीज आर नॉट ट्रू फिलिंग. नहीं, अच्छा इम्परफेक्ट संजाय और परफेक्ट संजाय में फर्क ये है, जिन संजाय के अंदर हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पता है, उनको हम कहते हैं परफेक्ट संजाय. ठीक है जी. जिनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं पता, यानी या वो संजाय जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्टिल नॉट नोन, उसको उनको हम कहेंगे दैट दीज आर द इम्परफेक्ट संजाय. अब कुछ फंजाई की टाइप्स ऐसी थी एस्कोमाइकोटा में, चले कुछ फंजाई की टाइप्स ऐसी थी एस्कोमाइकोटा में जिनमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिली. कुछ बेसिडियोमाइकोटा में ऐसी थी, कुछ जाइगोमाइकोटा में ऐसी थी. तो साइंटिस्ट ने सारी की सारी उन फंजाई को पकड़ा जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उन्हें पता नहीं है, और उन्होंने उन सारी फंजाई को पकड़ के एक अलहदा किंगडम में डाल दिया जिसको ड्यूटीरियोमाइकोटा कहते हैं. अब उस फाइलम की, सॉरी किंगडम कह रहा हूँ, फाइलम की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि इसके ये करेक्टर है तो इसलिए इसको ड्यूटीरियोमाइकोटा में डाला है. सिर्फ वो फंगस की स्पीशीज जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता नहीं है साइंटिस्ट को, उन्होंने उनको ड्यूटीरियोमाइकोटा में डाल दिया. उन्होंने उनको ड्यूटीरियोमाइकोटा में डाल दिया और उनको फिर इम्परफेक्ट फंजाई कर. मुझे एक मिनट दीजिएगा. चले अब चलते हैं जी आगे. और कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा. मैं पहले फाइलम पे आ गया हूँ. इसको कहते हैं मिक्सोमाइकोटा. इनका कॉमन नेम है जी स्लाइम मोल्ड्स. ये स्लाइम्स की तरह होते हैं. ये स्लाइम्स की तरह होते हैं जी एंड दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. अब मैं सही कह रहा था. जो मिक्सोमाइकोटा है और जो ओमाइकोटा है, बेसिकली इनको इंक्लूड नहीं किया गया बाइटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई के अंदर. सो एक सेकंड है मुझे. ठीक है जी. तो इनको साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में जो वाइटेकर की है उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया गया. अच्छा, इनके दो जेनरा हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. एक को कहते हैं प्लाज्मोडियोफोरा और दूसरे को कहते हैं स्पॉन्जोफोरा. तो यहाँ पर पेपर ए के अंदर प्लाज्मोडियोफोरा को डिस्कस किया गया हुआ है. इनके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी होती है इस पूरे जीनस के अंदर प्लाज्मोडियोफोरा के अंदर. उसका नाम है जी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकी. अब ये ब्रासिकेसी फैमिली के ऊपर जो है वो अटैक करती है. ये उनकी पैरासाइट है. इससे एक डिजीज होती है फिंगर एंड टो डिजीज जिसमें रूट्स स्मेल कर जाती हैं और क्लब लाइक हो जाती है. चलो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर एक खास प्रोसेस है जिसको क्रैमकिचर्ड फॉर्मेशन कहते हैं. ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, उसी के नाम से ये प्रोसेस उन्होंने रख दिया क्रैमकिचर्ड. इसमें क्या होता है, अब आप देखें एक फंगस ने अटैक किया इन्फेक्टेड सेल के ऊपर. अब वो सेल जिसके ऊपर फंगस ने अटैक कर दिया है वो ग्रो करेगा और बहुत बड़ा सेल बन जाएगा. उस बहुत बड़े सेल के अंदर वो बहुत बड़ा सेल अब डिवाइड करना शुरू करेगा. फर्ज करें उस सेल ने बना दिए 20 सेल. अब उन 20 सेल्स के अंदर ये जो हमारी फंगस थी प्लाज्मोडियोफोरा, सेल की डिवीजन के साथ साथ ये फंगस भी डिवाइड होकर उन 20 सेल्स में चली जाएगी. एक सेल इन्फेक्ट हुआ, उसका साइज बड़ा हुआ और साइज बड़ा होने के बाद उसने अपने आप को किया डिवाइड और 20 सेल बना लिए. अब जब डिवीजन हुई, जब वो 20 सेल बने तो उन डिवीजन, उस डिवीजन के साथ साथ प्लाज्मोडियोफोरा भी डिवाइड करता रहा और उसने भी अपने 20 ऑर्गेनिज्म बना लिए और वो 20 ऑर्गेनिज्म हर सेल में जाके घुस गए. अब ये एक ग्रुप बन गया इन्फेक्टेड सेल्स का, यानी 20 के 20 सेल इन्फेक्टेड हैं जो एक जगह पड़े हैं, एक सेल से 20 बन गए. सो इस ग्रुप को क्रैमकिचर्ड कहते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास प्लाज्मोडियोफोरा के हवाले से. अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स के थ्रू होती है. जोस्पोर बनते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. आपको पता है मोटाइल होते हैं. ये जोस्पोर बाद में एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं जिसको मिक्स अमीबा कहते हैं. अब इस स्ट्रक्चर को मिक्स अमीबा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अमीबा की तरह होती है. और फिर ये जो मिक्स अमीबा है ये बाद में जाके मेच्योर हो जाते हैं और मेच्योर सेल्स को प्लाज्मोडियम कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जी
इनमें खास तरह के गैमेट्स होते हैं, प्लेनो गैमेट्स उनको कहते हैं, और उनके मिलने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैंने आपको बताया कि जो मेन चीज है वो आपको एटलीस्ट गैमेट्स के नाम पता होने चाहिए कि किस ग्रुप के अंदर या किस रिप्रेजेंटेटिव के अंदर गैमेट्स के नाम क्या है। प्रोसेस तो वही है ना कि पहले डेवलपमेंट होगी मेल गैमेट फीमेल गैमेट की, फिर वो फ्यूज करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जायगोट बनेगा। प्रोसेस तो वही रहना है हर एक के अंदर, और ना ही उसने हमसे प्रोसेस पूछना है एमसीक्यूज में। जो मेन चीज वो पूछ सकता है वो यही है कि जी बताओ भाई हमें प्लाज्मोडियोफोरा के अंदर जो गैमेट्स हैं उनका क्या नाम है। इस तरह की चीज जो है वो पेपर में आ सकती है। अच्छा, अल्टरनेशन जनरेशन अभी हम कर रहे हैं फंजाई को स्टार्ट, वो मैं रोडोफाइटा में बात कर रहा था एलजी की, अभी हम फंजाई को स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम फंजाई को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंजाई के हर ग्रुप में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी, ये याद रखिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो ये इस मिक्सोमाइकोटा में प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट इनका डिप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये तो एक जनरल सी बात है, ये तो अपनों को पता ही होगी। जनाब पुओमाइकोटा, इनको हम वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं, मुझे एक सेकंड दीजिएगा जरा। ये बेटा है जनाब, क्वेश्चन आगे मेरा पहले क्वेश्चन देख लो। चले अच्छा जी, ओओमाइकोटा इनको ना वाटर मोल्ड्स कहते हैं कॉमनली, इनका एक नाम हमने रखा हुआ वाटर मोल्ड। अब वाटर मोल्ड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हाई ह्यूमिडिटी के कंडीशन में रहते हैं, ऐसे यानी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ एयर में भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली गई कि दे आर द वाटर लविंग मोल्ड्स, तो फिर हम इनको वाटर मोल्ड्स कहना शुरू करते हैं। अच्छा, इनको एग फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ना बहुत एक काफी लार्जर ओगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओगोनिया, उसकी वजह से इनको एग फंजाई भी कहते हैं। बाज किताबों में इनकी मैंने 500 स्पीशीज पढ़ी है, बाद में 800 पढ़ी है। सो इनमें वाटर मोल्ड्स इंक्लूडेड है, और एक बीमारी आप अक्सर पढ़ते हैं डाउनी माइल्डियू, उसका भी जो ऑर्गेनिज्म है वो भी ओओमाइकोटा के अंदर इंक्लूडेड है। क्लासिफिकेशन जनाब इनकी मैंने लिखी है आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए। इनके अंदर ना दो ऑर्डर होते हैं बुनियादी तौर, एक ऑर्डर है पिथियल्स का और एक ऑर्डर है पिरोनोपुरेल्स का। पिरोनोपुरेल्स में वो एक पैरासाइट है फाइटोफथोरा इन्फेस्टम वो आता है, और पिथियम में एक पैरासाइट है, पिथियल्स ऑर्डर में एक पैरासाइट है जो पिथियम है। तो ये दो पैरासाइट जो है ये इंपॉर्टेंट है, एक ही पिथियम और एक वो फाइटोफथोरा वाला। तो पिथियम को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि हमारे पेपर ए में था, फाइटोफथोरा को मैंने नहीं छेड़ा, लेकिन अगर आप लोग उस पढ़ना चाहें तो आप लोग खुद इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं फिलहाल तो ये ए बी सी डी को लेकर चल रहा हूँ, बाकी चीजें बाद में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, पिथियम की एक स्पीशी है पिथियम डिब्राइनम, ये एक बीमारी कॉज करती है जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। इसमें ये जो पिथियम है पिथियम डिब्राइनम, इसके हाइफी एसेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और ये पैरासाइटिक है। अभी हमने आपको ऊपर बात कर ली कि ये डिजीज कॉज करता है, ये पैरासाइटिक है, बट इट इज विदाउट होस्टोरिया। हम मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई है पीछे माइसीलियम के अंदर, तो मैंने कहा कि होस्टोरिया जो है ये पैरासाइट्स को अटैचमेंट में हेल्प करता है। अब पिथियम का करेक्टर ये है कि ये पैरासाइटिक होता है लेकिन इसमें होस्टोरिया नहीं होता, ये विदाउट होस्टोरिया ही किसी ना किसी तरह जो है वो अटैचमेंट और पेनिट्रेशन कर लेता है। अच्छा, इसका डिजीज साइकिल सबसे पहले क्या होता है समझिए जरा, कि हाइफी स्टोमेटा के थ्रू एंटर होगा, होस्ट का प्लांट होस्ट सेल जो है वो हाइफी के एंटर होने पे बेचारा जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब जब वो कोलैप्स करेगा तो एक सेल कोलैप्स किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अल्टीमेटली जो पूरा प्लांट टिश्यू है वो जमीन पे गिर जाएगा। अब उस प्लांट टिश्यू के या प्लांट पार्ट के जमीन पे गिरने को हम डैम्पिंग ऑफ का नाम देते हैं, इसीलिए उस टिश्यू को इस बीमारी को हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं जो ये पिथियम डिब्राइनम की वजह से होती है। यानी ये जाएगा सेल को खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। अब सेल जब बेचारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो स्टेम है या ब्रांच है वो नीचे गिर जाएगी ग्राउंड पे। इस कंडीशन को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। अब जब ये पेनिट्रेट कर गया, आप समझिए पहले था ये पैरासाइट,
इसको पेनिट्रेशन कर ली, चला गया और इसको जाकर प्लांट सेल को डेड कर दिया। प्लांट सेल हो गया ना डेड, अब ये प्लांट सेल को डेड करके अब उसकी फूड अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। फूड अब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट सेल डाई कर